हेलो दोस्तों, आप सभी को ईद की बधाई हो। आज काफी दिन बाद हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा, एक मेरे पास स्कीमेटिक से निकाला हुआ एक चार्ट है जो कि 10th जनरेशन के लैपटॉप्स की है। हम बहुत सारे लैपटॉप रिपेयर करते हैं, चाहे वो सेकेंड जनरेशन हो या फिर 10th जनरेशन हो या 11th जनरेशन हो, कोई भी जनरेशन हो। तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि बोर्ड में डायग्नोज कैसे किया जाए। सभी लोगों को पता है कि बोर्ड में कितनी सप्लाइयाँ होती है, लेकिन जो सप्लाई हमें बोर्ड पे दिखाई देती है, जैसे कि हमारे पास बोर्ड है L3233, बहुत सारे बोर्ड आते हैं। अब यही बोर्ड है हमारे पास, ये भी अप्रॉक्स 9th-10th जनरेशन का है। हम बेसिकली देखते हैं इसके अंदर कि जितनी भी क्वाइल बोर्ड पे लगी होती है, उसी क्वाइल को हम मेजर करते हैं। मतलब मोटे मोटे तौर पे अगर हमें इस सभी क्वाइल पर वोल्टेज मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि बोर्ड में सभी सप्लाई अवेलेबल है, राइट? लेकिन इससे भी कहीं ऊपर बोर्ड को हमें चेक करना होता है, डायग्नोज करना होता है। इससे भी ऊपर सप्लाइयाँ होती है, उन सप्लाई को हम इस क्वाइल की तरह नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि वो सप्लाई पावर गुड के रूप में होती है, वो सप्लाई रीसेट के रूप में होती है। कुछ क्लॉक होते हैं जो आप कभी क्वाइल पर मेजर नहीं कर सकते, क्रिस्टल पे करते हो। तो लोगों को पता है क्रिस्टल के बारे में, आप सब चेक भी करते हो, लेकिन क्रिस्टल के अलावा भी कुछ क्लॉक है ठीक है? तो उसी तरीके से आप किसी भी बोर्ड को डायग्नोज करते हो, तो सिर्फ क्वाइल तक ही नहीं हमें सीमित रहना है। ये चार्ट है जो कि एक बहुत ही सिंपल चार्ट है। मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 10th जनरेशन का है, मतलब लेटेस्ट जनरेशन का है, लेकिन कोई भी बड़ा चेंजेस नहीं है। यही चीज़ आप सेकेंड थर्ड जनरेशन में भी चेक करते हो, जो आपको 10th जनरेशन के बोर्ड में दिखने को मिलेगा, राइट? क्या है यहाँ पर? देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप सबसे पहले बोर्ड में सारी सप्लाई चेक करोगे जो आप क्वाइल के लिए मेजर करते हो। मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ कि आप बोर्ड में तीन मेथड से सप्लाई चेक करो। एक हो गई आपकी स्विचिंग, जो कि क्वाइल्स के द्वारा, मॉस्फेट के द्वारा स्विचिंग की जाती है। सेकंड हो गई आपकी जो रेगुलेटर होते हैं, जो विदाउट स्विचिंग के द्वारा बनाए जाते हैं, मेन मॉस्फेट सपोर्टिंग मॉस्फेट का उनका इसके अंदर इन्वॉल्विंग नहीं होता, उसे हम रेगुलेटर बोलते हैं, जो लो पावर पे काम करते हैं। और एक हो गया आपका स्विच वाली सप्लाई, कन्वर्जन वाली सप्लाई आप कहते हो, या डीसी टू डीसी जिसे आप कहते हो। इस तीन मेथड में आप सारे बोर्ड की सप्लाई चेक करो, क्योंकि तो इन्हीं तीन मेथड से पूरे बोर्ड में सप्लाई बनती है। उसके बाद जब आप ये तीनों मेथड की सप्लाई चेक कर लेते हो, ये नहीं कहना कि मेरे बोर्ड में सारी सप्लाई ओके है, क्योंकि उसके बाद भी हमें कुछ चीज़ें स्टेप्स लेने हैं। वोल्टेज लेवल पर ही ये काम करने हैं सारे, कोई सिग्नल कोई ज़्यादा हैवी प्रोसेस नहीं है, वोल्टेज लेवल पर ही है। तो देखो यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ लिखी है, बेसिक से ही है इसके अंदर। बेसिक्स कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में जो स्टार्टिंग है ना, वैसे तो मैं बात करूँ 19 वोल्ट 3 वोल्ट LDO चार्जिंग IC की सप्लाई स्टेप डाउन की नहीं, मेन बोर्ड जो स्टार्ट होता है वो SLP S4 S3 से ही इन्वॉल्विंग होता है, स्टार्टिंग होती है ठीक है। इससे पहले के तो आपको पता है कि पहले 19 वोल्ट बनेगा, फिर AC OK बनेगा, फिर स्टेप डाउन में आप 3 वोल्ट LDO 5 वोल्ट LDO, देन स्टेप डाउन की कॉइल वोल्टेज RTC वोल्टेज, राइट?
फिर आप आयो पर आओगे, तो आयो पे हम जब भी आते हैं चेक करने के लिए, कभी भी आयो के रिक्वायरमेंट में हमारा सिर्फ एक ही टारगेट होता है, आयो पर पिन पॉइंट चेक करने का सिर्फ एक टारगेट होता है कि SLP, S4, S3 PCH से रिलीज हुआ या नहीं हुआ, राइट? ये PCH से रिलीज होता है, लेकिन 10th जनरेशन का है तो SoC मतलब सिस्टम ऑन चिप, आपके CPU से ये आउट होगा। अब इसके आउट होने के लिए भी कई सारी रिक्वायरमेंट है जो बैकग्राउंड में सही होनी चाहिए, देन CPU या फिर PCH रिलीज करेगा इसको। CPU मीन्स SoC जो इनबिल्ट है। तो यहाँ पर दिया SLP S4 फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या दिया इन्होंने, देखो SLP S4 जब गया तो इन्होंने रैम की सप्लाई बनाई, रैम की S4 मतलब रैम की पावर, ये कह सकते हो रैम की सप्लाई। देन उसके बाद S3 रिलीज हुआ, ये दोनों एट ए कुछ मिली सेकेंड के बाद, S4 के बाद S3 जेनरेट होता है। S4 बेसिकली रैम को एक इनेबल करने जाता है, और S3 जो जितने भी हमारी S0 की सप्लाई होती है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको 1.8 वोल्ट, 1.05 वोल्ट रैम की VTT वोल्टेज, VCC SA की वोल्टेज, तो लेटेस्ट जनरेशन में VR ऑन कोर IC के साथ ही ज्वाइंट हो गया है, क्योंकि ये 6th जनरेशन से जितने भी लैपटॉप्स के ऊपर आ रहे हैं उसमें जो VCC SA है आपकी कोर IC के साथ ज्वाइंट हो गया। तो इन सभी कोर IC को और VCC SA को और VCC GT को, जिसे आप CPU ग्राफिक कहते हो, इन तीनों का कंट्रोल सिर्फ एक ही पिन VR इनेबल, VR ऑन से होता है। सेकेंड थर्ड जनरेशन के अंदर VCC SA को सेपरेट रखा गया, लेकिन 6th जनरेशन में इसको कोर IC के साथ इनबिल्ट कर दिया गया है, यह आपने देखा होगा। तो जब आप सप्लाई सारी मेजर कर लेते हो, मैंने बताई आपको स्विचिंग सप्लाई, रेगुलेटर सप्लाई, स्विच सप्लाई, उसके बाद आपको हमेशा याद रखना है कि आप पावर गुड चेक करो। पावर गुड में देखो क्या है, VCC STG ये लेटेस्ट जनरेशन की सप्लाई है जो VCC ST से बनती है। VCC ST क्या है, ये सारे नाम नए हैं लेकिन ये सारी की सारी चीजें पीछे से ज्वाइंटेड है। VCC STG वही है जो 1.05 वोल्ट PCH की सप्लाई होती है, उसी को एक रजिस्टर या एक स्विच में डाल के उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है VCC STG, राइट? देन ये इसकी पावर गुड हो गई आपकी। VCC IO और VCC STG ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ये इनका पावर गुड, देखो VCC ST भी यही लिखा है, इसका पावर गुड। और S0, S0 में आप किसी भी सप्लाई को मेजर कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं लिखा ये किस चीज की सप्लाई है, तो कोई ना कोई एक स्विचिंग होगी, राइट? तो इन सभी की पावर गुड को ज्वाइंट करके इन्होंने क्या बना दिया, ऑल सिस्टम पावर गुड। मतलब अगर आप ऑल सिस्टम पावर गुड चेक करते हो तो एक आइडिया लगता है कि जो पीछे की जितनी भी स्विचिंग सप्लाई या रेगुलेटर सप्लाई के पावर गुड्स है, क्योंकि कई बार कुछ स्विचिंग सप्लाई के पावर गुड का यूज नहीं किया जाता और कई बार किया जाता है, डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। कई लोगों को ये कॉन्सेप्ट मतलब माइंड में होगा कि हर स्विचिंग ऐसी पावर गुड जनरेट करते हैं, उन पावर गुड का रोल बोर्ड में होता है, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है बोर्ड टू बोर्ड। अगर आप डायग्राम में देखोगे बहुत सारी स्विचिंग के अंदर पावर गुड को ज्वाइंट किया जाता है सर्किट से, और बहुत सारे केस में ज्वाइंट नहीं किया जाता, ये हमें डायग्राम देखकर ही आइडिया लगता है। जिसका भी है उनको ज्वाइंट करके इन्होंने ऑल सिस्टम पावर गुड बनाया। ऐसा नहीं है कि हमेशा हर बोर्ड में ऑल सिस्टम पावर गुड ही बनेगा, नाम ये चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं स्केमेटिक लैंग्वेज में, तो अगर आपने क्वांटा का डायग्राम देख रहे हो तो उसमें इन्हीं सभी पावर गुड को मिला के ऑल सिस्टम पावर गुड की जगह पे HWPG हार्डवेयर पावर गुड बनता है। बहुत सारे विस्ट्रॉन में आपके रैम का और आपके 1.05 वोल्ट VCC ST या VCC P कुछ भी बोल सकते हो, इन दोनों को मिला के रन पावर होके बनाया जाता है, देन उससे ऑल सिस्टम पावर गुड को जनरेट किया जाता है। तो हमारा ध्यान कॉइल के बाद इन पावर गुड पर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इन पावर गुड की प्रॉब्लम बोर्ड में आएगी तो नोड डिस्प्ले का केस या बोर्ड ऑन हो के ऑफ होने की समस्या आएगी, डिस्प्ले तो बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि हम लास्ट बोर्ड पर काम इसलिए करते हैं कि हमारे बोर्ड पे डिस्प्ले आ गया। अच्छा, ऑल सिस्टम पावर गुड के बाद देखो इन्होंने बीच में एक डिले सर्किट डाल दिया और उसको सिस्टम पावर होके, कई बार आप देखोगे सर PCH पावर होके पहले बनता है, सिस्टम पावर होके उसके बाद ऑल सिस्टम पावर गुड बनता है, ये सारे कॉन्सेप्ट चाहे आगे हो या पीछे हो चेक तो करना है। अब देखो, अब इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले क्या बनेगा बाद में क्या बनेगा, इसका आइडिया हमें नहीं लगता, ये सारी चीजें डायग्राम में
मेंशन होती है, जब आप अगर ऑल सिस्टम पावर गुड को चेक कर रहे हो एग्जांपल के लिए, तो आप चेक करो कि ऑल सिस्टम पावर गुड जुड़ा हुआ किसके साथ है, कनेक्शन किसके साथ है। अब ऑल सिस्टम पावर गुड कनेक्टेड है वीसीसी एसटी से, वीसीसी आईओ से, वीसीसी एसटी से। अगर ये सारी सप्लाई अवेलेबल है तो ऑल सिस्टम पावर गुड बनेगा। मुझे सिस्टम पावर ओके से मतलब नहीं है, चाहे वो पहले या बाद में। ऑल सिस्टम पावर गुड के साथ जुड़ा हुआ क्या है? ये चीजें जुड़ी है, ये बन रही है, तो ऑल सिस्टम पावर गुड आपको मिलेगा। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो ऑल सिस्टम पावर गुड नहीं बनेगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी सभी बोर्डों की बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी सप्लाई को चेक करते हो, वो पहले बनेगा या बाद में बनेगा, उसके पीछे आप देखो, आपको खुद आइडिया लगेगा कि वो आपको कैसे बनने वाला है, वो कनेक्शन किसके साथ है, यही आपको बताता है डायग्राम। ऑल सिस्टम पावर गुड से आपको सिस्टम पावर ओके बनता है, इसी से आपको पीसेज। अब पीसेज पावर ओके के लिए देखो, दो चीज ज्वाइंट कर दिया इन्होंने, ये तो अक्सर बोर्डों में देखा होगा आपने, कि कोर आईसी का पावर गुड, कोर आईसी का पावर गुड एंड मोस्टली केस में पीसीएच पावर ओके से ऑल सिस्टम पावर गुड बनता है। लेकिन इन केस में, इस केस के अंदर कोर का पावर गुड और ऑल सिस्टम पावर गुड को मिला करके पीसीएच पावर ओके बनता है। क्या इसके लिए आपको कोई क्वाइल नजर आएगी बोर्ड पे? नहीं आने वाली, चेक तो करना पड़ेगा, नहीं चेक करोगे तो बोर्ड रिपेयर नहीं होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है जो बोर्डों के अंदर चलता है, ये कोई पर्टिकुलर मॉडल पे नहीं बता रहा हूं मैं कि ये किसका मॉडल है, राइट। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि देखो, ऑल सिस्टम पावर गुड कभी पीसेज पावर ओके के बाद बनता है, और कभी ऑल सिस्टम पावर गुड पीसेज पावर ओके से पहले बनता है। ये डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, आपको मॉडल देखना पड़ेगा, और इसका आइडिया आपको खुद लगाना है कि पहले क्या बनेगा उसकी रिक्वायरमेंट पे, वो कनेक्टेड किसके साथ है। अब पीसेज पावर ओके कनेक्टेड है मेरे वीआरएन पावर गुड और ऑल सिस्टम पावर गुड से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पीसेज पावर ओके तब तक नहीं बनेगा जब तक ऑल सिस्टम पावर गुड नहीं बनता, और ऑल सिस्टम पावर गुड जब तक नहीं बनेगा जब तक ये सारी सप्लाई रेडी नहीं होती, राइट। अच्छा, ये बन गया हमारा पावर गुड, देखो ऑल सिस्टम पावर गुड से और एक वीसीसी एसटी पावर गुड, ये लेटेस्ट जनरेशन की कहानी है सारी, आपको ये चेक करना जरूरी है अगर आप बोर्ड में डिस्प्ले लाना चाहते हो तो, राइट। ठीक है, जब हमारा ये पावर गुड कंप्लीट हो जाता है तो आप देख सकते हो सीपीयू के अंदर, मतलब हमें समझाने के लिए दिखाया जा रहा है कि ये सारे पावर गुड सीपीयू सेंस करने के बाद हमें रीसेट जनरेट करके देता है। मतलब पहले आपको मिलेगी पावर बोर्ड में जितनी भी है, देन पावर गुड, उसके बाद रीसेट। एक्चुअल में रीसेट से पहले क्लॉक एक्टिव हो जाता है, रीसेट से पहले, लेकिन इसमें दिखाया नहीं गया। ये एक मैनुअल है, ओवरव्यू, जो आप किसी भी बोर्ड को रिपेयर करने के लिए दिमाग में रखना है आपको। देन पेल्ड रीसेट। अब पेल्ड रीसेट क्या लास्ट सप्लाई है? ऐसा भी नहीं है, पेल्ड रीसेट एक लास्ट रीसेट नहीं है, आपका जो लास्ट रीसेट है वो रैम रीसेट है, पीएलटी रीसेट, और इसके साथ सीपीयू रीसेट होता है। लेकिन सीपीयू रीसेट को हम चेक नहीं करते, क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन में आपका सीपीयू एंड पीसीएच इनबिल्ट हो गया। सीपीयू रीसेट उसमें अलग से होता है जब सीपीयू और पीसीएच अलग अलग होता है, इनबिल्ट केस में वो इंटरनल कनेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको लेकर आया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चंस हो आप बता सकते हो। ठीक है, तो यही हमारी आज का वीडियो है, बाकी मैं थोड़ा सा बिजी था इस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी, कोशिश करेंगे कि अब कंटिन्यू वीडियो आए किसी भी टॉपिक्स पर। तो अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, जो मैं कंटिन्यू वीडियो फिर मैं अपलोड करूं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।